इस अध्याय में हम पढ़ेंगे गुणन फलों और योग फलों का पारस्परिक रूपांतरण, त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। तो इसे रूपांतरण सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। पिछले अध्याय में आपने 4-5 सूत्र पढ़े थे, उसमें से पहला है साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यदि इसे हम समीकरण एक नाम दें और एक दूसरा समीकरण ले या सूत्र लें, साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसे हम दूसरा समीकरण देते हैं। यदि इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये एक रूपांतरण सूत्र है। तो देखिए, हमें साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी, इसको हमने जोड़ने से हमें एक नया सूत्र मिला था। इसी तरीके से कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को ऐड करेंगे तो हमें एक सूत्र मिलेगा। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को घटाएंगे तो एक सूत्र मिलेगा, और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को घटाएंगे तो हमें एक और सूत्र मिलेगा। तो इन सारे सूत्रों को रूपांतरण सूत्रों के नाम से जाना जाता है। पहले हम इसका सत्यापन देखेंगे, फिर हम इसका एक व्यापक उपयोग करते हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो पिछले अध्याय में आप कुछ सूत्र पढ़ चुके हैं, उनकी पारस्परिक संक्रिया अर्थात योग या फिर व्यकलन करके हम कुछ नए सूत्रों को स्थापित करेंगे और फिर आगे हम उसका उपयोग देखेंगे। तो पहला सूत्र आपने पढ़ा था साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक और सूत्र पढ़ा था आपने साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यदि इसे हम समीकरण एक व दो नाम दें और इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो समीकरण एक धन समीकरण दो से हमें मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा और राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। तो देखिए, कॉस ए साइन बी प्लस में है और कॉस ए साइन बी माइनस में है, तो ये दोनों जो राइट हैंड साइड में ये कैंसल हो जाएंगे और हमें मिलेगा राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, और ये इक्वल टू होगा लेफ्ट साइड में साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। या फिर इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। इसी तरीके से यदि समीकरण एक में हम दो को घटा दें तो हम आगे लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू हमें मिलेगा 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी, या फिर 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। अब हम देखते हैं कॉस का जो फार्मूला था, कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसे हम समीकरण तीन नाम देते हैं। फिर कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसे समीकरण चार का नाम देते हैं। इसी तरीके से इन दोनों समीकरण को पूर्व की भांति हम जोड़ देते हैं तो हम आगे लिखेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी, या फिर 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब हम समीकरण चार में तीन को घटा दें तो हम लिखेंगे कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ए साइन बी, या फिर हम इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। इससे पहले हमने कुछ सूत्र देखा था 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, और अंत में आपने देखा था 2 टाइम्स साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। यदि इन समीकरणों को या सूत्रों को हम समीकरण 1, 2, 3 और 4 क्रमशः इस नाम से नामांकित करें, और यदि हम माने कि ए प्लस बी इक्वल टू सी हो तथा ए माइनस बी इक्वल टू डी, इस तरीके का अगर हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे तब हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू। तो ये जो समीकरण हमें a प्लस बी इक्वल टू सी और a माइनस बी इक्वल टू डी हमने माना था, इन दोनों को जब एक बार योग करेंगे तो हमें a का मान मिलेगा, इसी तरीके से अंतर करेंगे तो हमें मिलेगा b इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन टू। तो a इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन टू और b इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन टू जो हमें मिला, इसे समीकरण 1, 2, 3 और 4 में यदि हम रख दें तो वह समीकरण कुछ इस प्रकार के रूपों में रूपांतरित हो जाएगा।
जिसे सीडी फार्मूले के नाम से जाना जाता है। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू टाइम्स साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू टू टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू टू टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू टू टाइम्स साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन टू। तो लास्ट फार्मूले में ध्यान दीजिए कि यहां पर साइन ऑफ डी माइनस सी है, न कि सी माइनस डी। तो इन सूत्रों का उपयोग करके हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे। अच्छा ठीक है, तो इन सूत्रों का इस्तेमाल करके हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब सूत्रों को देखने के बाद हम उससे संबंधित प्रश्नों पर चलते हैं, जहां पर प्रश्न में दिया गया है कि निम्न गुणनफलों को त्रिकोणमितीय फलनों के योग या अंतर के रूप में लिखिए। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहले प्रश्न में दिया गया है 2 टाइम्स साइन 5x इंटू कॉस एक्स। 2 साइन ए कॉस बी ये इस फॉर्मूले में है, तो चूंकि हम जानते हैं कि 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी होता है, तो इसका हम उपयोग करेंगे। तो ये जो 2 साइन 5x इंटू कॉस एक्स है, इसे हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, एक स्थान पर है यहाँ पर है 5x और b के स्थान पर है x, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे। फिर प्लस साइन a माइनस बी 5x माइनस एक्स, इसे आगे सॉल्व कीजिए तो मिल जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x, और यही इसका उत्तर है या यहीं तक हमें हल करने के लिए कहा गया है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में है 2 cos 4x इंटू cos 3x। ये देखिए ये cos a cos b के फॉर्म पे है, चूंकि 2 cos a cos b इक्वल टू cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, इसका हम उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 cos 4x इंटू cos 3x इक्वल टू cos ऑफ a प्लस बी, एक स्थान पर यहाँ पर है 4x और b के स्थान पर है 3x। फिर प्लस cos a माइनस बी, एक स्थान पर है 4x और b के स्थान पर है 3x। आगे सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं cos 7x प्लस cos x। इसमें तीसरा प्रश्न 2 sin 3x इंटू sin x। तो ये जो है ये देखिए sin a sin b के फॉर्म पे है, तो 2 टाइम्स sin a sin b, ये इसे हम लिख सकते हैं cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये फार्मूला हमने थोड़ी देर पहले देखा हुआ था। तो इस तरीके से हम ये 2 sin 3x इंटू sin x को लिख सकते हैं cos ऑफ 3x माइनस x और फिर माइनस cos ऑफ a प्लस बी, तो a के स्थान पर है 3x और b के स्थान पर है x। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं cos ऑफ 2x माइनस cos ऑफ 4x। चौथा प्रश्न साइन ऑफ 5 पाई अपॉन 12 इंटू कॉस पाई बाई 12। तो देखिए ये किसी पर्टिकुलर फॉर्म को बिलोंग नहीं करता है, जो हमारे पास फार्मूले हैं वो 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी या फिर 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी या 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी या फिर 2 टाइम्स साइन ए साइन बी इस फॉर्म पे है। तो उस फॉर्म में इसे रूपांतरित करने के लिए हम 2 का गुणा करते हैं और 2 का भाग करते हैं, तो 2 टाइम्स साइन 5 पाई अपॉन 12 इंटू कॉस पाई बाई 12। अब चूंकि ये हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी होता है
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो इस फार्मूले से हम इसे लिखेंगे इक्वल टू वन अपॉन टू कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा फाइव पाई बाई ट्वेल्व माइनस पाई बाई ट्वेल्व, फिर माइनस साइन कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा फाइव पाई अपॉन ट्वेल्व प्लस पाई अपॉन ट्वेल्व। आगे सॉल्व करते हैं, वन अपॉन टू, देखिए दोनों में एलसीएम सेम है, तो फाइव पाई माइनस पाई दैट इज़ फोर पाई, ये फोर पाई अपॉन ट्वेल्व, फिर माइनस साइन कॉस, एलसीएम आएगा ट्वेल्व, फाइव पाई प्लस पाई दैट इज सिक्स पाई, सिक्स पाई। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं वन बाई टू कॉस पाई बाई थ्री माइनस कॉस पाई बाई टू। तो इसे देखिए, ये टू टाइम्स साइन ए कॉस बी के फॉर्म पर है, टू टाइम्स साइन ए कॉस बी। ये पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इस फॉर्मूले का उपयोग किया था, उसी फार्मूले का उपयोग हम इसको करने के लिए हल करने के लिए करेंगे। तो ये वन बाई टू, टू टाइम्स साइन ए कॉस बी को लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इसे हम लिखेंगे साइन ऑफ फाइव पाई बाई ट्वेल्व प्लस पाई बाई ट्वेल्व प्लस साइन ऑफ फाइव पाई बाई ट्वेल्व माइनस पाई बाई ट्वेल्व। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं वन बाई टू साइन, दोनों का एलसीएम आएगा ट्वेल्व, फाइव पाई प्लस पाई दैट इज सिक्स पाई, फिर प्लस साइन ऑफ एलसीएम आएगा ट्वेल्व, फाइव पाई माइनस पाई दैट इज फोर पाई। आगे सॉल्व करेंगे तो इसे आप लिखेंगे वन बाई टू साइन पाई बाई टू, देखिए छः कम छः और छः दूनी बारह, तो इस तरीके से ये पाई बाई टू आ जाएगा, और ये इसे सॉल्व करेंगे तो पाई बाई तीन आ जाएगा, ये साइन पाई बाई थ्री। में पाँचवा प्रश्न है कॉस फाइव पाई बाई ट्वेल्व इन टू कॉस पाई बाई ट्वेल्व। तो ध्यान से देखिए, यदि इसमें हम दो का गुणा और भाग कर दें तो ये आगे हमें टू कॉस ए कॉस बी के फॉर्म पे मिल जाएगा। तो इसे हम लिख रहे हैं वन बाई टू और फिर टू टाइम्स कॉस फाइव पाई बाई ट्वेल्व इन टू कॉस पाई बाई ट्वेल्व। चूँकि टू टाइम्स कॉस ए कॉस बी, ये होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो इसका उपयोग करेंगे तो हम आगे इसे लिख सकते हैं इक्वल टू वन बाई टू कॉस ए प्लस बी, तो कॉस फाइव पाई बाई ट्वेल्व प्लस पाई बाई ट्वेल्व, फिर प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब फाइव पाई बाई ट्वेल्व माइनस पाई बाई ट्वेल्व, वन बाई टू और फिर आगे दोनों का एलसीएम आएगा ट्वेल्व, फाइव पाई प्लस पाई दैट इज सिक्स पाई, फिर प्लस कॉस ऑफ एलसीएम आएगा ट्वेल्व, फाइव पाई माइनस पाई दैट इज फोर पाई। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा वन बाई टू कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस कॉस ऑफ पाई बाई थ्री। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, टू टाइम्स साइन 45 डिग्री इन टू कॉस 15 डिग्री। तो ये देखिए, ये टू साइन ए कॉस बी के फॉर्म पर है, तो चूंकि टू टाइम्स साइन, टू साइन ए कॉस बी, इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो इसका उपयोग करेंगे। तो ये जो टू साइन 45 और कॉस 15 है, इसे हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी मीन्स 45 प्लस 15, फिर प्लस साइन 45 माइनस 15। आगे सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं साइन 60 और इसे साइन 30। साइन 60 का मान रूट थ्री बाई टू और साइन 30 का मान 1/2। ऐसे और आगे हल करना चाहे तो हम लिख सकते हैं रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू, तो ये इसका उत्तर है। दूसरे तरीके से यदि हम हल करना चाहें, दूसरी विधि, तो जो मान हमें डायरेक्टली दिए गए हैं उसे हम लिख सकते हैं। यदि यदि मान पूछा गया है अंतिम तौर पर इस तरीके से, तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे कि टू साइन 45 और कॉस 15 डिग्री, ये हमें निकालना है। कॉस 15 डिग्री हमने पिछले अध्याय में निकाला था, ये रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू होता है, और साइन 45 ये वन बाई रूट
टू होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, टू टाइम्स साइन 45 ये 1/√2 और कॉस 15 दैट इज़ √3 + 1/√2। आगे हल करेंगे तो देखिए ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, √2 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 2, तो ये हो गया √3 + 1/√2। तो देखिए यहाँ पर ये उत्तर और यहाँ पर ये उत्तर दोनों सेम है। अब तीसरे तरीके से इसे भी लिखा जा सकता है, जैसे कि 2 sin 45 और cos 15 डिग्री दिया हुआ है। तो चूंकि 2 cos A sin B, इसके पहले हमने देखिए इसको 2 sin A cos B के फॉर्म पे लिखा था, अब इसके यदि क्रम को बदल दें तो हम इसे 2 cos A sin B के फॉर्म पर भी लिख सकते हैं। ये 2 cos A sin B, इसे आप लिखते हैं sin A + B माइनस sin A - B। तो इसका उपयोग करके हम इसे आगे लिख सकते हैं, ये 2 cos 15 degree और फिर ये sin 45 degree, इस रूप में हमने लिखा, इक्वल टू sin A + B। तो sin 15 + 45 और फिर माइनस sin A - B, तो A 15 - B। आगे सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं sin 60 और इसे सॉल्व करेंगे तो -30 मिलेगा। तो sin of माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर जो मान मिल रहा है ये माइनस में मिलेगा, तो माइनस और माइनस प्लस और फिर ये sin 30 degree। sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2 ऐड कर दीजिए, √3 + 1/2 और यही इसके लिए उत्तर है। सरल कीजिए, इसमें हम पहला प्रश्न देखते हैं, 2 cos 45 × cos 15 degree। देखिए ये 2 cos A cos B के फॉर्म पर है, तो चूंकि 2 cos A cos B, इसे आप लिखते हैं cos of A + B + cos of A - B। तो इसका उपयोग करके हम ये 2 cos 45 cos 15 को लिख सकते हैं cos of A + B 15, cos 45 + 15 फिर प्लस cos of A - B, तो 45 - 15। आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये cos 60, फिर प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा cos 30। cos 60 1/2, cos 30 √3/2। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं √3 + 1/2। ये वैल्यू है 2 cos 45 degree × cos 15 degree की। इसमें अगला प्रश्न, 2 sin 45 degree × sin 15 degree। देखिए ये 2 times sin A sin B के फॉर्म पर है, तो 2 times sin A sin B को हम लिखते हैं cos of A - B - cos of A + B। तो आगे हम लिख सकते हैं cos 45 - 15, फिर -cos 45 + 15। चूँकि 2 times sin A sin B ये होता है cos of A - B, फिर -cos of A + B। आगे ये मिल जाएगा cos 30 - cos 60। वैल्यू पुट करेंगे तो मिल जाएगा √3/2 और फिर ये -1/2, अल्टीमेटली मिलेगा √3 - 1/2 और यही इसके लिए उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 2 times sin 3 theta cos 5 theta। तो इस तरीके के हमने देखा हुआ है कि ये 2 times sin A cos B ये इस फॉर्म पर है, तो इसे हम लिख सकते हैं sin of A + B + sin of A - B। तो ये इक्वल टू हो जाएगा sin 3 theta + 5 theta, फिर प्लस sin 3 theta - 5 theta। आगे आप लिख सकते हैं sin 8 theta + sin of -2 theta। आगे लिखेंगे sin 8 theta और ये -sin 2 theta, क्योंकि sin of -θ जो होता है ये -sin θ होता है।
इसमें अगला प्रश्न है, कॉस 9 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, ये डायरेक्टली किसी फॉर्म को बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 का गुणा कर देते हैं और 2 का भाग कर देते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। ये कॉस 9 थीटा और फिर ये साइन 2 थीटा। देखिए ये 2 cos A sin B इस फॉर्म पर भी इसे हल कर सकते हैं, या फिर इसके क्रम का आप परिवर्तन कर दें तो 2 sin 9 थीटा और फिर cos 9 थीटा लिख दें। तो देखिए 2 sin A cos B इस फॉर्म पर आ गया है, तो इसे आप लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2 sin 9 थीटा। तो इस साइन वाले पद को अगर हम पहले लिख दें तो हम लिख सकते हैं 1/2 2 times sin 2 थीटा और फिर cos 9 थीटा। तो अब ये 2 sin A cos B इस फॉर्म पर आ चुका है, तो इसे हम साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 sin of A plus B, तो 2 थीटा प्लस 9 थीटा फिर प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो 2 थीटा माइनस 9 थीटा। आगे सॉल्व करेंगे मिल जाएगा 1/2 sin 11 थीटा और माइनस साइन 7 थीटा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -7 थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है, तो इस तरीके से ये हमें यह मिल जाएगा। अब इस पे पांचवे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर है 4 times cos 8 थीटा into cos 3 थीटा, इसे हम लिख सकते हैं 2 times 2 cos 8 थीटा और फिर cos 3 थीटा। देखिए 2 cos A cos B ये इस फॉर्म को बिलोंग कर रहा है, तो 2 cos A cos B होता है cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, तो इसे हम आगे लिख सकते हैं cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी 2, cos 11 थीटा प्लस cos 5 थीटा। इसमें अगला प्रश्न, 5 sin theta into sin 8 theta इक्वल टू 5/2 और फिर 2 times sin theta और sin 8 theta। इसे फार्मूलेट करने के लिए हमने इसमें 2 का गुणा किया और 2 का भाग कर दिया है। अब ये 2 times sin A sin B इस फॉर्म को ये बिलोंग कर रहा है, तो इसे हम आगे लिख सकते हैं 1/2 cos of 8 theta माइनस थीटा माइनस cos ऑफ 8 थीटा प्लस थीटा। यह जाएगा 5/2 cos 8 थीटा माइनस थीटा, तो ये cos 7 थीटा फिर माइनस 8 थीटा प्लस थीटा 9 थीटा, तो ये cos 9 थीटा। तो अब तक हम जितने सूत्र पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति में, उन सभी का उपयोग करके हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री, ये 1/16 होगा, यह हमें सिद्ध करना है। तो इस तरीके के जितने भी प्रश्न होते हैं सामान्य तौर पर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व कर सकें, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करेंगे। जो मान दिया गया है वो मान जिस कोण के लिए, जिस त्रिकोणमितीय फलन के लिए स्टैंडर्ड एंगल दिया गया, जैसे कि 60, इसकी वैल्यू हमें पता है, तो वैल्यू हम पहले पुट कर देंगे। तो पहले cos 60 ले लीजिए और फिर cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री, किसी दो डिग्री का पेयर बना लीजिए, और लास्ट में जो डिग्री cos 80 है ये हमने इसको लिख दिया। cos 60 डिग्री इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 1/2 और फिर ये इसे 2 times cos A cos B इस रूप में बदलने के लिए हम इसमें 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos 20 degree और cos 40 degree और फिर cos 80 degree। ये 1/2 1/2 ये मल्टीप्लाई होकर के 1/4 हो जाएगा, चूँकि आपको पता है कि 2 cos A cos B ये होता है cos of A plus B plus
कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस 20 प्लस 40 प्लस कॉस ऑफ 20 माइनस 40, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है कॉस 80 डिग्री का। फिर 1/4 इसे हल करेंगे तो मिल जाएगा कॉस 60, और फिर ये कॉस 80 का मल्टीप्लाई है तो हम यहाँ पर इसे कॉस 80 लिखते हैं। फिर कॉस ऑफ माइनस 20 आएगा, अब चूंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस कॉस 20 डिग्री, और फिर ये कॉस 80 का इसमें गुणा है। अब फिर ये जो एंगल है ये स्टैंडर्ड एंगल है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 1/2, तो 1/4 और ये 1/2 कॉस 80। अब फिर से ये कॉस ए कॉस बी के रूप में है, इसे 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी के रूप में आगे हल करेंगे, तो इसके लिए हमें पहले 2 का गुणा करना पड़ेगा और 2 का भाग करना पड़ेगा, तो 2 कॉस 20 डिग्री और फिर कॉस 80 डिग्री। देखिए इन दोनों पदों में 1/2 जो है वो कॉमन हम ले सकते हैं, तो 1/4 इंटू 1/2 करेंगे तो मिल जाएगा 1/8। अब यहाँ पर है कॉस 80 फिर प्लस 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी, ये कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो आप लिखेंगे कॉस 20 प्लस 80 प्लस कॉस 20 माइनस 80, ये आ जाएगा 1/8 कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री। अब देखिए कॉस 20 माइनस 80 करेंगे तो मिल जाएगा कॉस ऑफ माइनस 60, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो यहाँ पर ये प्लस साइन ही रहेगा और इसे हम कॉस 60 इस तरीके से लिख देंगे। 1/8, अब इसका मान तो हम रख सकते हैं 1/2, और ये कॉस 80 को हम वैसे ही रहने देते हैं, कॉस 100 को हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 80 डिग्री, फिर ये और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। आगे हल करें तो हमें मिल रहा है 1/8 और ये है कॉस 80 डिग्री, कॉस 180 माइनस थीटा ये आ जाता है दूसरे चतुर्थांश पर, और दूसरे चतुर्थांश पर कॉस निगेटिव होता है तो हमें मिल जाएगा माइनस कॉस 80 डिग्री प्लस 1/2, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली हमें यहाँ पे मिल रहा है 1/8 इंटू 1/2 और ये आ गए हम 1/16 पर। तो देखिए ये है राइट हैंड साइड,